ना ही किसी का दम घुटेगा, ना ही किसी के लंग्स में फ्लूड भरेगा, ना ही किसी को इन्फ्लुएंजा होगा, ना ही किसी को नमोनिया का इन्फेक्शन होगा। और इंशाअल्लाह कोई भी शख्स अब ये ग्रीन टी पीने के बाद इंशाअल्लाह सारे के सारे जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है वो क्लियर होगा, और सारे के सारे लंग्स का जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन होने से बच जाएगा। अब इंशाअल्लाह मौत वाली इस वबा से इंशाअल्लाह आसानी के साथ बच जाएंगे। ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हर हर अहम आज़ा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बीमारी जो पूरी दुनिया में इस वक्त फैल रही है लंग्स को डैमेज करती है, म्यूकस जाके बैठ जाता है, एक लिक्विड एक फ्लूड होता है जो कि जाकर लंग्स में जाके बैठ जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन की तादाद जिस्म में कम होती चली जाती है और बिलाखिर मरीज़ की मौत हो जाती है। हम में से ज़्यादातर लोगों के लंग्स जो हैं वो वैसे भी पोल्यूशन की वजह से और गिज़ा की बेएहतियाती की वजह से वैसे भी 100% काम नहीं कर रहे होते। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स के ज़रिए से ऑक्सीजन हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में जाके फैलती है, और इसी ज़रिए से हमारे जिस्म के तमाम अज़ा काम करते हैं, इसी तरीके से हमारा जिस्म जो है वो चलता रहता है। अल्लाह की दी हुई बेशकीमत चीज़, बेशकीमत नेमत सेहत, ज़रूरी है कि हम इसका ख्याल रखें, और सिर्फ एक ही चीज़ के ज़रिए से मुमकिन है कि हमारे लंग्स ऑक्सीजन हमें देते रहें ताकि हम जिंदा रह सकें। हम इस ग्रीन टी में शामिल करेंगे जंजबील, जिंजर यानी कि अदरक, जो कि तिब्बे नबी से साबित है। सूरह दहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो जाम अहले जन्नत को पिलाया जाएगा उसमें अदरक की आमेज़िश शामिल होगी। हम इसे अपने कहवा जो हम बनाने वाले हैं, अभी जो हम ये ग्रीन टी बनाने वाले हैं, हम इसमें ये ज़रूर शामिल करेंगे इंशाअल्लाह, और इससे ज़रूर ज़रूर शिफा हासिल करेंगे। अरबी में कहते हैं नाना, दूसरा उसका नाम है मिंट, तीसरा नाम है आम नाम जो है वो है पुदीना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह वाकिया और सूरह रहमान में इसका जिक्र करते हैं। सही बुखारी में जिस चीज़ का जिक्र आता है वो है अतरज यानी सिट्रॉन, ये हम हासिल करेंगे लीमू की मदद से। अहादीस करीमा में एक और चीज़ हमें मिलती है वो है हलवा यानी कि फैनी ग्रीक सीड्स, जिसे हम मेथी दाना कहते हैं, हम इसे भी शामिल करेंगे। हज़रत हारिस बिन कल्दा से साबित है, ये बहुत ही मशहूर तरीन उस ज़माने के नबी पाक सल्लम के ज़माने के मशहूर तरीन जो है हुक्मा में इनका शुमार होता है, इनके ऊपर बाकायदा किताब लिखी गई है हलवा के बारे में, जो इन्होंने चुस्की लेकर पीने का इस कहावे के नाम शामिल कर रहे हैं। इसे चुस्की लेकर पीने का पूरी अहादीस में पूरा वाक़या मौजूद है। अभी इस वक्त हम वाक़या नहीं बयान करेंगे आपको, बस सिर्फ उसे समझ लीजिए कि जो नुस्खे के नाम चीज़ें शामिल कर रहे हैं वो शामिल करते चले जाइए, इनमें शिफा है। कुरान शरीफ में अहादीस से सारी की सारी चीज़ें ही शामिल हैं। आखिर में हम शामिल करेंगे एक चम्मच शहद भी। इस वीडियो के आखिर में इसका पूरा तरीक़ाकार आपको इंशा ताला बता दिया जाएगा। साथ ही साथ हम एक कुरानी दुआ शामिल करेंगे और वो है रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। तिब्बी अफादियत से भरपूर इस कहवे की और इस ग्रीन टी की हमें इस वक्त इस दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको आपसे ज़्यादा शायद, जिन बेचारों को आपसे ज़्यादा शायद इन बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ग्रीन टी डिटॉक्सिफाई करती है, एंटी ऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि लंग्स की और चेस्ट की जो कोई भी कंजेशन है उसे ये बेशुमार, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है जो कि कुरान पाक से अहादीस करीमा से साबित है। इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइए सुबह दोपहर शाम। इसका जो पीने का तरीका है उसको ज़रा नोट कर लीजिए, ये मैं भी पीता हूँ आप भी पीजिए। हज़ारों लोगों को अपनी ज़बान से बता चुका हूँ, अब लाखों तक ये पैगाम वीडियोस के ज़रिए से अलहम्दुलिल्लाह जा रहा है। इसको पीने का जो तरीका है वो है, आप कभी भी पी सकते हैं, लेकिन इसे पीजिए खाली पेट में ताकि इसके तमाम ही तिब्बी अज्जा आपको मुकम्मल तौर पर भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचा सकें। इंशाल्लाह ताला कोई भी वायरस कोई भी बैक्टीरिया आप पर इंशाल्लाह ताला अब असर नहीं करेगा। इस नुस्खे में शामिल है अदरक का एक टुकड़ा, पुदीने के 7 पत्ते, अतरज यानी कि लीमू का आधा टुकड़ा, उसका पूरा रस हम शामिल करेंगे, मेथी दाने के 7 दाने और शहद आधा चम्मच। इन तमाम ही चीज़ों को हम शामिल करेंगे 1.5 कप पानी में और फिर इसे पकाना शुरू करेंगे। जब शिफाई तासीर इस पानी में शामिल हो जाएगी तो हम इसे उतार लेंगे, जब ये 1.5 कप पानी 1 कप रह जाएगा उसके बाद। साथ ही साथ हम कुरानी दुआ भी पढ़ेंगे
और पढ़ेंगे अव्वल आखिर तीन तीन बार दुरूद शरीफ भी, ताकि शिफायाबी का हुसूल यकीनी हो जाए। मेरी ज़िंदगी का मकसद बस एक ही है कि किसी तरीके से घर बैठे लोगों तक फ़ी सबीलिल्लाह रोशनी सेंटर के ज़रिए से roshnicenter.com पर जाइए, वहाँ पर हज़ारों नुस्खे इस तरह के मौजूद हैं आपकी फलाह के लिए, आपकी भलाई के लिए। मैं डॉक्टर फ़हद अर्तानी आपसे कह रहा हूँ, जाइए इनसे जितना हो सकता है फ़ायदा उठाइए और दूसरों तक इसका फ़ायदा पहुँचाइए। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली बातें हमें दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए, अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। मैं डॉक्टर फ़हद अर्तानी रोशनी वाला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह वालो सुनो अब काम की बात, एक आखिर में एक छोटी सी बात, तू मेहनत कर मेहनत का सिला जाने खुदा जाने, तू मेहनत कर मेहनत का सिला जाने खुदा जाने, मर्ज की तू दवा भी कर दुआ भी कर, मर्ज की तू दवा भी कर दुआ भी कर, मर्ज जाने दवा जाने शिफा जाने खुदा जाने, जो मर के तू जिंदगी चाहे तो फकीरी टोटका सुन ले, जो मर के तू जिंदगी चाहे तो फकीरी टोटका सुन ले, तू खिदमत में फना हो जा बका जाने खुदा जाने, जो पूरी हो ना पूरी हो मगर बेकार ना जाए, जो पूरी हो ना पूरी हो मगर बेकार ना जाए, दुआ तुम मांगते रहना दुआ जाने खुदा जाने, दुआ तुम मांगते रहना दुआ जाने खुदा जाने।